तो दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल फॉर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो के लिए एंड ज्वाइन टेलीग्राम ग्रुप फॉर लेटेस्ट टेक न्यूज एंड अपडेट्स। तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारी एक नई वीडियो में। तो यार Redmi Note 8 के लिए बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ है। बहुत सारे फीचर MIUI 12 के Redmi Note 8 के लिए मिसिंग थे, तो अब यहां पर हमें सारे फीचर बहुत ही जल्द देखने को मिलेंगे। तो यहां पर आप देख सकते हैं MIUI 12.0.1.0 स्टेबल अपडेट। तो व्हाट्स न्यू में जाते हैं, तो चेंज लॉग अभी लॉक्ड है, पहले जो थी वो दिखा रही थी, अभी जो है वो लॉक्ड है। मेरे हिसाब से अभी भी अंडर टेस्टिंग है, इसीलिए चेंज लॉग नहीं दिखाई जा रही है। तो ओल्ड स्पेक्स में जाते हैं, तो यहां पर दोस्तों एंड्रॉइड 11 की सपोर्ट अब हमें Redmi Note 8 में देखने को मिल जाती है। तो यार ये काफ़ी बड़ी बात है, Xiaomi ने Redmi Note 8 को दो मेजर अपडेट्स यहां पर दी हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ तो यहाँ पर सिक्योरिटी पैच लेवल भी जो है वो लेटेस्ट है, यानी कि जनवरी का चल रहा है। अभी यार फरवरी आ गई है पर दिसंबर जनवरी का चल रहा है। तो दोस्तों ये जो अभी अपडेट है चाइना में रिलीज़ की गई है, आपको मालूम है सारी अपडेट्स वहीं पर आती हैं, उसके बाद ही इंडिया में हमें देखने को मिलती हैं। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, अभी भी यार यहाँ पर जो कंट्रोल सेंटर है अभी भी डार्क ग्रे ही है, तो यहाँ पर ट्रांसपेरेंट अभी नहीं आया है। तो यहाँ पर अगर हम नीचे जाते हैं लॉक स्क्रीन में, तो दोस्तों सब कुछ वैसे का वैसे ही है, कुछ ज़्यादा चेंजेस यहाँ पर नहीं मिलती हैं। तो अगर हम यहाँ पर डिस्प्ले में जाते हैं, तो ये जो लेआउट है हमें देखने को मिल ही चुकी है इंडिया में, तो यहाँ पर कुछ नया नहीं है। तो साउंड एंड वाइब्रेशन में भी दोस्तों कुछ ज़्यादा नहीं है, सब वैसे का वैसे ही है जैसे पहले था। पर अगर आप यहाँ पर नीचे आएंगे तो अब कंट्रोल सेंटर एंड नोटिफिकेशन बाहर ला दिए गए हैं। तो अगर आप यहाँ पर टैप करते हैं तो अब आपको यहाँ पर कुछ इस प्रकार की लेआउट देखने को मिलती है। अगर आप यहाँ पर टैप करते हैं तो ये ओल्ड जो है स्टाइल आ जाता है, यहाँ पर करते हैं तो कंट्रोल सेंटर आ जाता है। तो न्यू यूआई यहां पर ला दिया गया है और आपको यहां पर जो है वो स्मार्ट होम भी देखने को मिल जाता है। तो यहां पर आप देख सकते हैं कंट्रोल सेंटर, स्मार्ट होम, तो ये भी यहां पर है। उसके बाद अगर आप यहां पर होम स्क्रीन में जाते हैं, तो यहाँ पर ऐप ड्रो तो अब आपको देखने को मिलती ही है ऑफिशियली, पर अब आपको यहाँ पर नेविगेशन बार भी देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, आप इसे हाइड भी कर सकते हैं, बटन लगाने हैं तो बटन आ जाते हैं, और यहाँ पर टैप करेंगे तो यहाँ पर आपको आपकी नेविगेशन बार भी अब देखने को मिल जाती है। और यहाँ पर आप देख लीजिए, काफ़ी अच्छी बात है, नेविगेशन बार आ चुकी है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर अरेंज आइटम में अब आपको हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली जो है वो यहाँ पर जो है वो देखने को मिल जाता है, यानी कि ये जो लेआउट है उसे भी अब चेंज यहाँ पर कर दिया गया है। तो यार पीछे से थोड़ी सी आवाज़ आ रही है, तो प्लीज़ बुरा मत मानिएगा। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, तो ये भी फीचर आ चुका है। उसके बाद दोस्तों बाकी दोस्तों यहाँ पर सब कुछ सेम ही है, कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं है। प्राइवेसी एंड पॉलिसी तो ये भी यहाँ पर नहीं आ चुकी है। तो अगर आप यहाँ पर जाते हैं तो यहाँ पर आप जाएंगे तो थोड़ी सी यहाँ पर लेआउट जो है वो चेंज अब कर दी गई है, जो कि मेरे हिसाब से पहले जैसी ही है, पर थोड़ी सी चेंज हुई है मेरे हिसाब से। पता नहीं ये इंडिया में आएगी या नहीं, पर देखते हैं। बैटरी एंड परफॉर्मेंस में दोस्तों सब सेम ही है, ऐप्स में भी सब कुछ सेम ही है, कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं हैं। और यहाँ पर स्पेशल फीचर में आते हैं, तो यहाँ पर टैप प्लस देखने को मिल जाता है, गेम टर्बो देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर अगर हम ऑन करते हैं तो अभी आप देखेंगे अब गेम स्पेस हो गया है, पहले जो था वो गेम टर्बो था, तो अब यहाँ पर गेम स्पेस हो गया। तो थोड़ा सा यहाँ पर चेंज लाई गई है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर नीचे आ जाते हैं, बाकी दोस्तों सब यहाँ पर सेम ही है, कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं हैं। पर अगर आप यहाँ पर कैमरे में जाते हैं तो अब आपको नई लेआउट यहाँ पर देखने को मिल जाती है। मोड में जाते हैं तो यहाँ पर ऐसी जो है वो थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है, देखने में अच्छा लगता है यार, और कुछ ज़्यादा नहीं है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो आप इसे ड्रैग एंड ड्रॉप यहाँ पर कर सकते हैं, तो अगर आप यहाँ पर लगा देते हैं तो यार थोड़ा सा देखने में अच्छा लगता है, बाकी दोस्तों सब वैसे का वैसा ही है। तो यार यहाँ पर कुछ ऐसी चेंजेस जो हैं हमें एंड्रॉइड 11 में देखने को मिलेंगी। यहाँ पर नई ऐप वॉल्ट भी है, पर ये पता नहीं इंडिया में आएगी या नहीं।
देखते हैं आगे जाकर क्या होता है, पर अभी के लिए यार दोस्तों एंड्रॉयड 11 जो है वो रेडमी नोट 8 के लिए आ चुकी है और गैलरी अब आपको नई देखने को मिलती है। अगर आप कोई भी जो है वो जाते हैं और यहाँ पर एडिट करते हैं तो अब आपको नई गैलरी देखने को मिलती है। तो यहाँ पर आप देखेंगे लेआउट जो है वो चेंज यहाँ पर कर दी गई है, जो कि मेरे हिसाब से अच्छी लगती है। आप देख लीजिए यहाँ पर थोड़ी बहुत चेंजेस यहाँ पर लाई गई हैं जो कि मेरे हिसाब से ठीक ठाक हैं। तो यार यहाँ पर ये जो है वो अपडेट अभी रिलीज़ की गई है चाइना में, देखते हैं इंडिया में कब आती है। जब कोई नई इन्फॉर्मेशन आएगी तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा, पर अभी के लिए दोस्तों चाइना में ही है, क्योंकि आपको मालूम ही है जब चाइना में अपडेट आती हैं तो 15-20 दिन के बाद इंडिया में भी आ जाती है। तो देखते हैं होपफुली फरवरी के महीने में रेडमी नोट 8 को भी MIUI 12 विद एंड्रॉयड 12 देखने को मिलेगी। तो यार आज के लिए बस इतना ही।